डॉक्टर यशपाल सिंह NIOS के स्टूडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो प्रकरण है प्रारंभिक स्तर पर गणित शिक्षण की समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। इसके अर्थ की बात करें तो ये बहुत प्राचीन पद्धति है सीखने की, सिखाने की। इसका उपयोग जो सबसे पहले प्राप्त होता है इतिहास में वो सुकरात द्वारा इसका प्रयोग का प्रमाण मिलता है, और इसके अलावा संत थॉमस ने इसका प्रयोग किया था सुम्मा थियोलॉजिका में। तो काफ़ी प्राचीन पद्धति है शिक्षण अधिगम की, शिक्षण विधि के रूप में इसका प्रयोग काफ़ी प्राचीन माना जाता है। अगर इसकी परिभाषा की बात करें या इसके महत्व की बात करें तो जॉर्ज जॉनसन का एक कथन ध्यान में आता है। उन्होंने कहा कि मस्तिष्क को प्रशिक्षित करने का सर्वोत्तम ढंग उसके समक्ष वास्तविक समस्याओं को प्रस्तुत करना तथा उसको उनके समाधान के लिए अवसर तथा स्वतंत्रता प्रदान करना है। द बेस्ट वे टू ट्रेन द माइंड इज टू कन्फ्रंट इट विद रियल प्रॉब्लम्स एंड टू गिव इट द अपॉर्चुनिटी एंड द फ्रीडम टू सॉल्व देम। अगर आपको सही वास्तविक समस्याएं सॉल्व करने का मौका मिलता है, उनको हल करने का मौका मिलता है, तो उससे जो सीखना होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसका मस्तिष्क को बहुत बेहतर प्रकार से लाभ मिलता है। इसी में जेम्स एम ली का भी एक कथन महत्वपूर्ण है। इसके अगर परिभाषा की बात करें, समस्या समाधान एक सामान्य शैक्षिक विधि है, न कि विशिष्ट शिक्षण कला तकनीक। ये संभवतः सर्वाधिक अधिगम उत्पादक विधि है। यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि ली कहते हैं कि ये एक सामान्य शैक्षिक विधि है, ये विशिष्ट शिक्षण कला तकनीकी नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज ए जनरल एजुकेशनल मेथड रादर देन ए स्पेसिफिक पेडागोजिकल टेक्निक। इट इज प्रोबेबली द मेथड मोस्ट प्रोडक्टिव ऑफ लर्निंग। ये ली का ये कहना कि ये संभवतः सर्वाधिक अधिगम उत्पादक विधि है, इसको हम हल्के में नहीं ले सकते। निश्चित रूप से प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड या समस्या समाधान विधि जो है ये अधिगम की एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। गुड ने कहा कि समस्या विधि निर्देश की वो विधि है जिसके द्वारा सीखने की प्रक्रिया को ऐसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के सृजन द्वारा जिनका समाधान करना आवश्यक हो प्रोत्साहित किया जाता है। प्रॉब्लम मेथड इज ए मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन बाई विच लर्निंग इज स्टिमुलेटेड बाई द क्रिएशन ऑफ चैलेंजिंग सिचुएशंस दैट डिमांड सोल्यूशन। कार्टर वी गुड। इसमें भी यही कहा जा रहा है कि ये वो विधि है अधिगम की, निर्देश की, सिखाने की, शिक्षण की, जिसके द्वारा सीखने की प्रक्रिया को एक चुनौतीपूर्ण परिस्थिति के सृजन द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है, और ऐसी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति जिसका समाधान करना आवश्यक हो। रिस्क का परिभाषा भी देखने लायक है, जो कहते हैं कि समस्या समाधान किसी कठिनाई या जटिलता का एक पूर्ण संतोषजनक हल प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया नियोजित कार्य है। इसमें मात्र तथ्यों का संग्रह करना या किसी अधिकृत विद्वान के विचारों की तर्करहित स्वीकृति निहित नहीं है, वरन यह विचारशील चिंतन की प्रक्रिया है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज ए प्लान्ड अटैक अपॉन ए डिफिकल्टी आर परप्लेक्सिटी फॉर द पर्पज ऑफ फाइंडिंग ए सेटिस्फैक्ट्री सोल्यूशन। दिस इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, नॉट मेयरली द एक्यूमुलेशन ऑफ फैक्ट्स आर द ब्लाइंड एक्सेप्टेंस ऑफ आइडियाज विच समवन इन अथॉरिटी गिव्स अस। यहाँ ध्यान देने की बात है कि समस्या समाधान को ये कहते हैं कि ये कठिनाई या जटिलता का एक पूर्ण संतोषजनक हल प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया नियोजित कार्य है। दो बिंदु महत्वपूर्ण है इसमें देखने के, कि एक तो ये कि पूर्ण संतोषजनक हल प्राप्त होना चाहिए, और दूसरा ये कि ये नियोजित कार्य है, अनियोजित कार्य नहीं है ये। इसके अलावा इसमें ये भी इसको इस पर ये बल दे रहे हैं, इसमें केवल तथ्यों का संग्रह करने मात्र शामिल नहीं होता, और ना ही केवल कोई अधिकृत विद्वान के विचार हैं उनको तर्करहित तरीके से स्वीकार कर लिया जाए, ऐसा भी नहीं। इसमें ये विचारशील चिंतन की प्रक्रिया, ये विद्यार्थी स्वयं चिंतन करने, विद्यार्थी के स्वयं चिंतन करने की प्रक्रिया है। समस्या समाधान के अलग अलग पद क्या होते हैं इसके बारे में बॉसिंग ने जो बताया है पद, वो आमतौर पर सभी लोग उसको स्वीकार करते हैं इन पदों को। इनमें सबसे पहला पद है समस्या की पहचान, रिकग्निशन ऑफ द डिफ़िकल्टी आर प्रॉब्लम। यहाँ पे इस पद में
समस्या की पहचान की जाए। जैसा कि बताया कि समस्या ऐसी होनी चाहिए जो जिसका हल किया जाना आवश्यक हो और जो लाभकारी हो, तो ऐसी समस्या को पहचानना। अब विद्यार्थी, जिस कक्षा के विद्यार्थियों के लिए हम समस्या ढूंढ रहे हैं, उस कक्षा के विद्यार्थियों के स्तर के अनुसार हमें देखना पड़ता है कि कौन सी समस्या का हम चयन करें जो उन विद्यार्थियों के लिए लाभदायक होगी, जो इन विद्यार्थियों में सीखने को प्रेरित करेगी, और कौन सी समस्या है जो कि इनके लिए ज़रूरी है कि उसको ये हल करें। इसके अलावा जो दूसरा पद होता है वो होता है कठिनाई को समस्या के, एक बार हमने जब पहचान कर ली समस्या की, उसके बाद दूसरे पद में हम कठिनाई को समस्या के रूप में व्यक्त करते हैं, स्टेट द डिफ़िकल्टी एज प्रॉब्लम। इसमें हम कई बार तकनीकी रूप से उस कठिनाई को कथनों के रूप में लिखते हैं और फिर उसको हम समझने की कोशिश करते हैं विद्यार्थियों के साथ में। फिर तीसरा पद होता है कि समस्या के समाधान के लिए कार्य करना, अटैक द प्रॉब्लम। इसमें तीन चार चीज़ें शामिल होती हैं, तीन चीज़ें मुख्य रूप से इसमें शामिल होती हैं। पहली है तथ्यों का संग्रह करना, कलेक्शन ऑफ डेटा। दूसरी है तथ्यों का संगठन करना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। और तीसरी है तथ्यों का विश्लेषण करना, एनालिसिस ऑफ द डेटा। इसमें जो भी हमारी समस्या है उससे जुड़े हुए जो विभिन्न पहलू हैं, उनसे जुड़े हुए जो विभिन्न तथ्य हैं, सबसे पहले हम उनको इकट्ठा करते हैं, विद्यार्थी उन तथ्यों को इकट्ठा करते हैं। और जब सारे तथ्य इकट्ठित हो जाते हैं तब फिर उसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे सांख्यिकी में जब हम डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, जब तथ्य संग्रह कर रहे होते हैं, तो बाद में हम उनको संगठित करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, या तो टेबल की फॉर्म में, या सारणी की फॉर्म मतलब रूप में, या उनको चित्रात्मक रूप में हम प्रस्तुत करते हैं, संगठित करते हैं। वैसे ही यहाँ भी इसमें हम करते हैं कि जो भी हमें तथ्य प्राप्त हुए हैं उनका हम वर्गीकरण करते हैं, उनको हम सारणी के रूप में या चित्रों के रूप में इकट्ठा करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। और उसके उपरांत हम अंत में इस पद में तथ्यों का विश्लेषण करते हैं कि जो हमें तथ्य प्राप्त हुए हैं उनको, उनके आधार पर क्या क्या चीज़ें हैं, जो क्या क्या निष्कर्ष हैं जो हम प्राप्त कर सकते हैं, तो वो तथ्यों का विश्लेषण करना इस पद का अंतिम पद होता है। अगला पद होता है निष्कर्ष निकालना। अब जो हमने तथ्यों का विश्लेषण किया उसके आधार पर हम विभिन्न परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं और फिर उनको हम उनका परिचित करने का प्रयास करते हैं, और इस प्रकार से हम उन परिकल्पनाओं को या तो हम स्वीकार करते हैं या अस्वीकार कर देते हैं, और इसी आधार पर धीरे धीरे इस प्रक्रिया के द्वारा हम कुछ निश्चित उद्देश्यों पर, कुछ निश्चित निष्कर्षों पर पहुंच जाते हैं। तो ये निष्कर्ष निकालने का कार्य इस विधि में होता है। अंत में एक जो अंतिम पद होता है उसमें जो हमने निष्कर्ष निकाले हैं वो उस निष्कर्षों को प्रयोग में लाते हैं, जिससे कि हमें पता लगे कि कई बार क्या होता है कि निष्कर्ष सैद्धांतिक रूप से तो हमको लगता है कि उचित हैं, ठीक हैं, सही हैं, पर जब हम उनको प्रयोग में लाते हैं तब हमें पता लगता है कि ये उतना व्यवहारिक नहीं है या उतना उचित नहीं है जितना हम समझ रहे थे। उस सूरत में हमें फिर पुनः निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया पर, पद पर वापस जाना पड़ता है। तो ये कुल पद हैं समस्या समाधान विधि के। इसमें शिक्षण के पद समस्या समाधान विधि में क्या होते हैं वो भी जानने की ज़रूरत है। ये भी आप देखें तो जो समस्या के पद हैं उनसे मिलते जुलते हैं। कुल मिलाकर के ये पांच होते हैं। पहला है समस्या का चयन, सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम। दूसरा है समस्या की व्याख्या, वाई इट इज ए प्रॉब्लम। तीसरा है समस्या को पूर्ण करना, कैरिंग आउट द प्रॉब्लम। चौथा है समस्या का हल निकालना, फाइंडिंग आउट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। और पांचवा है समस्या समाधान का प्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो जैसे पिछली उसमें हम देख रहे थे कि क्या क्या पद हैं समस्या समाधान के, तो वही शिक्षण के भी पद वही हैं लगभग। इसके जो अगर गुणों की बात करें तो ये बहुत पहले भी परिभाषा की जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो मैंने बताया था कि इसको सबसे ज़्यादा अधिगम उत्पन्न करने वाली विधि के रूप में माना जाता है, और उसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण गुण हैं इस विधि के जिनकी वजह से इसको सर्वाधिक अधिगम उत्पन्न करने वाली विधि माना जाता है। उनमें सबसे पहली गुण जो है वो है, सबसे पहली जो विशेषता है वो है कि ये जीवन के अनुरूप है। जीवन में भी, हमारे जीवन में भी हमारे साथ क्या होता है कि दिन पर दिन हमारे पास
कोई ना कोई समस्या सामने आती है और हम उस समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करते हैं, और जब हमें उस समस्या का समाधान मिल जाता है तो हम फिर आगे बढ़ जाते हैं और वो हमारी समस्या समाप्त हो जाती है। और जब तक उस समस्या को हम समाप्त नहीं कर पाते, जब तक उसका हल नहीं निकाल पाते, तब तक हमारे जीवन में एक ठहराव सा आ जाता है, एक दिक्कत सी आ जाती है। तो बिल्कुल उसी प्रकार से ये अधिगम में हमें काम में आता है, जीवन के जैसे वास्तविक जीवन में हमारे साथ होता है वैसे ही अधिगम में होता है कि जो समस्या हमारे सामने आती है, जब तक उसका हल ना निकल जाए, जब तक उसको हम हल ना कर लें, तब तक हमको शांति और संतोष नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से चूँकि ये जीवन के अनुरूप विधि है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। इसके अलावा इस विधि की मदद से मानसिक कुशलता में वृद्धि होती है। समस्या समाधान विधि में आप अपने बुद्धि को, अपने मानसिक स्तर को आप चुनौती देते हैं। तो जब आप अपनी बुद्धि को और मानसिक स्थिति को चुनौती देते हैं, जब आपके मानसिक संतुलन में खलल पड़ता है, तो उससे निश्चित रूप से आपकी मानसिक कुशलता जो है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा इसके एक और महत्वपूर्ण गुण या विशेषता है कि ये रुचि जागृत करती है। सामान्य रूप से गणित में बच्चों की रुचि कई बार कम पाई जाती है, पर अगर इस विधि का हम प्रयोग करते हैं तो लगभग सभी बच्चों में एक गणित के प्रति रुचि पैदा होती है, काम करने की रुचि, चूँकि वो खुद कर रहे होते हैं समस्या का समाधान, उनका अपना उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, वो अपने आप उसमें शामिल हो जाते हैं, तो इस वजह से उनकी रुचि उसमें जागृत हो जाती है। और जब सफल हो जाते हैं समस्या का समाधान निकालने में तो वो प्रेरणा का काम करता है और उनकी रुचि बढ़ती चली जाती है। इसके अलावा जीवन के अनुरूप विधि है तो निश्चित रूप से जीवन में इसका लाभ है कि इसमें हमें समस्या समाधान में प्रशिक्षण मिल जाता है, हमारे व्यक्तित्व का विकास हो जाता है समस्या समाधान की दृष्टि से, जीवन में उसका हमें लाभ मिलता है। तो ये समस्या समाधान में प्रशिक्षित करने वाली विधि है। इसके अलावा ये भी गौर करने की बात है कि एक वैज्ञानिक विधि है। इसमें आपने ध्यान दिया होगा कि जो विज्ञान की प्रक्रिया है, ये समस्या समाधान की प्रक्रिया भी पूरी वही प्रक्रिया है जो कि विज्ञान की प्रक्रिया होती है। आप उसी प्रकार से तथ्य संग्रह करते हैं, उसी प्रकार से तथ्यों का विश्लेषण करते हैं, उसी प्रकार से आप परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार से आप परिकल्पनाओं का परीक्षण करते हैं। तो ये पूर्ण रूपेण एक वैज्ञानिक विधि है। साथ ही साथ ये निर्णय क्षमता का भी विकास करती है। इस समस्या समाधान विधि में समस्या के विभिन्न संबंधित विभिन्न तथ्यों के इकट्ठा करने के उपरांत जब आप उनका विश्लेषण करते हैं, उसके उपरांत आपको निर्णय लेना पड़ता है। तो जब आपको निर्णय लेना पड़ता है तो आपकी निर्णय क्षमता का विकास होता है। इसके अलावा समस्या समाधान की विधि जो है वो लोकतांत्रिक गुणों का विकास करती है, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करती है। साथ ही साथ ये मानसिक स्वक्रिया को प्रोत्साहन देती है। आपने ध्यान दिया होगा कि कई बार क्या होता है, जब आपको कोई समस्या होती है तो आप सोते जागते आपके दिमाग में वो समस्या चलती रहती है, आप कुछ भी कर रहे होते हैं तो अचानक से आप उस समस्या के बारे में सोचने लगते हैं और अचानक ही कई बार आप उसके हल मिल जाते हैं, तो फिर आप उसको फिर लिख लेते हैं या आप उसको नोट कर लेते हैं या आप उसको उपयोग करने लगते हैं जो भी हल आपको मिला है। बिल्कुल उसी प्रकार से इस विधि में होता है कि आपको चूंकि एक समस्या मिली हुई है, आपको उसका समाधान करना है, तो होता यह है कि आप उसको लगातार अनवरत रूप से आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में वो समस्या चलती रहती है, जीवित रहती है। इस वजह से आपकी मानसिक स्वक्रिया को प्रोत्साहन मिलता है। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कई ऐसी विधियां हैं जो स्मरण शक्ति पर बल देती हैं, पर यह विधि ऐसी है जो बुद्धिवर्धक है, ये बुद्धि पर बल देती है, स्मरण आपके चिंतन पर बल देती है, स्मरण शक्ति को अधिक प्राथमिकता नहीं देती है। और एक और इसका महत्वपूर्ण गुण या विशेषता है कि ये बच्चों की क्रियाशीलता में वृद्धि करती है। बच्चे समस्या का समाधान करने में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं तो निश्चित रूप से उनकी क्रियाशीलता भी बढ़ती है। इसके कुछ दोष भी हैं जो विद्वान लोग इस पर कुछ आक्षेप लगाते हैं या कह लीजिए कुछ इसके दोष बताते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख ये है कि ये विषय की व्यापक समझ का विकास नहीं करती। बच्चे जो समस्या उनके पास होती है उसका हल निकाल लेते हैं तो उसका एक सुपरफिशियल, एक हल्का संप्रत्यय का ज्ञान तो उन्हें हो जाता है, किंतु जो व्यापक समझ है उसके विभिन्न पहलुओं की वो नहीं हो पाती। यद्यपि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये आरोप उचित नहीं है,
चूँकि समस्या समाधान की प्रक्रिया में वो उसके विभिन्न पहलुओं से संबंधित तथ्य इकट्ठा करते हैं, तो इसकी कमियों के बारे में जब व्यापक समझ के विकास की हम बात करते हैं तो मुझे लगता है कि ये उतना उचित नहीं है, ये व्यापक समझ का विकास करती है। एक और इस पर आक्षेप लगता है या इसकी कमी बताई जाती है कि नीरस है, पर यह भी ध्यान देने की बात है कि अगर इसका न्यायपूर्ण प्रयोग किया जाए तो ये नीरस नहीं होती है बल्कि बहुत रसवान होती है, बहुत रुचिकर होती है। हाँ, अगर अत्यधिक प्रयोग किया जाएगा तो निश्चित रूप से ये नीरस हो जाएगी, और अत्यधिक प्रयोग तो किसी भी विधि का करेंगे तो वो नीरस ही हो जाएगा। इसमें एक और इस पर आरोप लगता है और जिससे मुझे लगता है कि हम सब सहमत भी हो जाएंगे, क्योंकि ये सभी विषय और सभी प्रकरण इस विधि से आप नहीं पढ़ा सकते। सारे के सारे विषय में सारे के सारे प्रकरण अगर समस्या समाधान विधि से आप पढ़ाने का प्रयास करें तो ये संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि सभी विषय और सभी प्रकरण इस विधि के हिसाब से उचित नहीं हो पाते हैं। एक और इसकी कमी यह है कि समस्या समाधान विधि में कई बार अधिक समय भी लगता है और अधिक श्रम भी लगता है। हम एक छोटा सा टॉपिक जो हम साधारण तौर से कक्षा में 15 मिनट में पढ़ा सकते हैं, पर अगर हमने उसको समस्या समाधान के तौर पर बच्चों को दिया हुआ है तो उसमें हो सकता है 15 दिन लग जाएं, तो ये समय भी अधिक मांगती है और श्रम भी अधिक मांगती है। ये इस विधि की एक कमी है, पर सुधार करने पर या थोड़ा जिसे कहेंगे बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से समस्याओं का चयन करने पर और समस्या बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से प्रकरण का चयन करने पर, जिस प्रकरण से संबंधित समस्या समाधान विधि का प्रयोग करना, तो ये कमी भी हम दूर कर सकते हैं। एक और इसकी बड़ी कमी मानी जाती है कि ये छोटे बच्चों हेतु उपयुक्त नहीं है। प्राथमिक स्तर पर इसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। प्राथमिक स्तर के छोटे बच्चे समस्या समाधान में इतने प्रवीण नहीं होते, उनकी क्षमताएं भी इतनी नहीं होती, इसलिए इसको प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए अच्छा नहीं माना जाता, उपयुक्त नहीं माना जाता। उच्च प्राथमिक व ऊपर की शिक्षा के लिए ही इसको प्रभावशाली माना जाता है। समस्या समाधान विधि का हमने ये देखा कि ये उपयोगी तो है किंतु इसका सीमित उपयोग ही हो पाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए ये लाभकारी नहीं है, कम लाभकारी है। इसके अलावा ये भी है कि हर विषय के लिए और हर प्रकरण के लिए इसका उपयोग नहीं हो सकता है। यहाँ तक कि ये विधि जो उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के लिए प्रभावी और उपयोगी मानी जाती है, पर वहाँ भी इसका उपयोग सीमित ही हो सकता है। सभी विषय सभी प्रकरण इसके माध्यम से नहीं पढ़ाए जा सकते। इस विधि में आपको जो भी, अगर हम सारे प्रकरण इससे पढ़ाने की कोशिश करेंगे तो जो हमारे पास समय होता है अपने पाठ्यक्रम को पूर्ण करने का, उस समय के अंतर्गत वो पाठ्यक्रम को पूर्ण किया जाना संभव नहीं हो सकता। इस प्रकार आज हमने ये सीखा है कि जो हमारी ये परियोजना, ये समस्या समाधान विधि है, ये समस्या समाधान विधि में इसका एक तो अर्थ क्या है, इसकी परिभाषाएँ क्या हैं, इसके बारे में हमने सीखा। परिभाषाओं में मैं एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बताई वो ये कि ये जीवन से जुड़ी हुई समस्या ली जानी चाहिए इस विधि में, और इस उद्देश्य से होनी चाहिए और लाभकारी होनी चाहिए। इसके अलावा इसके जो विभिन्न पद हैं उन पर हमने बात की। पदों में मैंने आपसे बताया कि सबसे पहले तो हमको इसका समस्या का चयन करना पड़ता है, उसके अलावा हमको तथ्यों का संग्रह करना, पहले तैयारी करनी पड़ती है समस्या के समाधान की दिशा में, फिर हम तथ्यों के इकट्ठा करते हैं, तथ्यों को इकट्ठा करने के बाद हम उनको संगठित करते हैं, उसके बाद हम उनको विश्लेषित करते हैं, उसके बाद किसी निर्णय पर पहुंचते हैं, और केवल निर्णय तक पहुंचना ही काफ़ी नहीं होता, उसके बाद हम उस निर्णय को लागू करके देखते हैं, उस निष्कर्ष को लागू करके देखते हैं, उसके बाद ही हम उस निष्कर्ष को अंतिम निष्कर्ष के रूप में स्वीकार करते हैं। साथ ही मैंने आपको बताया कि ये विधि बहुत लाभकारी है, इसके कई गुण भी मैंने आपको बताए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये जीवन से जुड़ी हुई विधि है, सबसे ज़्यादा अधिगम को प्रोत्साहित करने वाली विधि है, इसमें लोकतांत्रिक मूल्यों का भी हम अच्छा उपयोग करते हैं। इसके अलावा इस विधि में आप जो हैं बच्चे जो हैं बहुत उनमें रुचि जागृत हो जाती है गणित के प्रति, जो कि आमतौर पर हमारी एक बड़ी समस्या होती है कि बच्चों की गणित में रुचि जागृत कैसे करें। तो इस प्रकार साथ ही हमने कुछ इसकी जो इस विधि की सीमाएं हैं उस पर भी चर्चा की। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, फिर मिलेंगे।